नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी स्टो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपने जो मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं वो सब आपको अच्छी लगी होंगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने ज्योतिष ज्ञान के नाम से एक सीरीज चलाई है, उस सीरीज में हम फ्रॉम वेरी बेसिक से लेके एडवांस एस्ट्रोलॉजी तक पढ़ाएंगे। अगर आप उस सीरीज को देख लेते हैं तो कोई दो राय नहीं कि आप एक अच्छे ज्योतिष ना बन सके। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि उस ज्योतिष को शुरू उस सीरीज को जो शुरू से देखिए, आराम से देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता चला जाएगा। बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, फिर तो धीरे धीरे एडवांस पढ़ाऊंगा इसके। तो अभी मैं ग्रहों के कारक के बारे में बता रहा था। अब ग्रहों के कारक में हमने राहु के कारक तक का आगे बता दिया गया है। आज हम बात करेंगे केतु के कारक, कि केतु ग्रह के कारक कौन कौन से हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम केतु से देखते हैं। तो केतु के कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जितने भी आपके ग्रह हैं, चाहे उसमें राहु केतु भी हो, कोई भी ग्रह हो उसमें, या सूर्य चंद्र हो, या शनि हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, सभी ग्रहों की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। राहु केतु एक इमेजिनरी पॉइंट होते हैं, नासा भी इनको एक इमेजिनरी पॉइंट मानता है, जहां पृथ्वी का मार्ग और चंद्रमा का मार्ग आपस में इंटरसेक्ट होता है, वहां से राहु केतु का नोड बनता है। और ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में इनका इस्तेमाल होता है। तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में इन्हीं के द्वारा ही, राहु केतु के द्वारा ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी होता है। और शायद इसीलिए बोल देते हैं लोग कि राहु केतु को ग्रहण दोष लग गया, या राहु साथ में सूर्य के बैठ गया तो ग्रहण दोष हो गया, या केतु सूर्य के साथ बैठ गया तो ग्रहण दोष हो गया। ऐसा नहीं है। वो मैं आपको कभी ग्रहण दोष के बारे में वीडियो अलग से बताऊंगा कि ग्रहण दोष क्या होता है। खैर, अभी हम लोगों को डिस्कस करना है कि केतु किन किन चीजों का कारक है। तो देखिए, केतु जैसे आपको बताया कि छाया ग्रह, ये ग्रह ऐसे होते हैं कि जिस भाव में इन्हें रख दो, अब जैसे आप एक गैस है, गैस का कोई रूप नहीं होता, उसको किसी आप बर्तन में रखोगे तो जिस बर्तन में डालोगे वो उसी बर्तन की शेप धारण कर लेगी। तो यही राहु और केतु का तरीका होता है कि राहु और केतु को जिस भाव में जाएंगे उस भाव के स्वामी की तरह ही वो बन जाते हैं। अगर वो बृहस्पति के भाव में गए तो बृहस्पति की तरह बिहेव करना चालू कर देंगे, शुक्र के भाव में गए तो शुक्र की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसा देखते हैं, कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष वो बना लेते, क्योंकि वो छाया ग्रह। अब केतु किन किन चीजों का कारक है? जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, क्षय रोग होते हैं, चाहे जैसे पीछे कोरोना हुआ था या कुछ भी, कई जो इन्फेक्टेड बीमारियां होती हैं, सारी वो सारी केतु से देखी जाती है, केतु से ही देखी जाती है। जितने भी इन्फेक्टेड बीमारियां होती हैं, दर्द पेन भी हम लोग केतु से देखते हैं, जितने फोड़े फुंसी होते हैं, अल्सर होते हैं, वो सारे केतु से ही देखे जाते हैं। अगर केतु बड़ खराब हो, केतु आठवें भाव में हो, तो ऐसे बहुत चांसेस होते हैं कि इंसान को इस तरह की प्रॉब्लम से जूझना पड़े, इन्फेक्शन से जूझना पड़े, फोड़े फुंसियों से जूझना पड़े, इस तरह की चीजें बहुत होती हैं, दर्द से जूझना पड़े। आत्मज्ञान का कारक भी केतु है, इसको भी बोलते हैं। अब आत्मज्ञान कैसे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जहां आठवें घर के अंदर केतु बड़ा अच्छा नहीं माना जाता, वहीं आठवें घर का केतु आत्मज्ञान देता है। अगर किसी कुंडली में आठवें घर में केतु बैठा हो तो ऐसा इंसान बहुत ही आत्मज्ञानी होता है, बहुत ही ज्ञानी होता है। वो कहीं ना कहीं ज्ञान में जाता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए, किसी ना किसी ज्ञान में वो जाएगा। वेदांत का कारक है वायु विकार का कारक, केतु जो है वायु विकार कारक भी है। अगर केतु आपका बिगड़ा हुआ है कुंडली के अंदर तो वायु विकार से संबंधित रोग आपको हो सकते हैं, वायु दोष से संबंधित रोग हो जाते हैं। कुत्ते का कारक भी केतु है, झंडे का कारक केतु है। अच्छा, इसमें क्या चीज है? देखिए, राहु केतु में दो डिफरेंसेस है। राहु केतु, राहु तो दल बदल लेता है, लेकिन केतु कभी दल नहीं बदलता। अगर आपका केतु स्ट्रांग है तो आप किसी इंडस्ट्री में घुस जाओगे तो उस इंडस्ट्री को आसानी से छोड़ोगे नहीं, जब तक कि आपको वो खुद ही न कहे मालिक के भैया आप तुम जाओ यहां से। ऐसा होता है, दल नहीं बदलता अपना। केतु कहते हैं ना कि हमारा झंडा यही है तो हम झंडा यही लेके खड़े हुए हैं, अगर इस पार्टी में हैं हम तो इस पार्टी में ही हैं, इसके अलावा हम किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। तो केतु जो है वो झंडे का भी प्रतीक है, झंडे का भी कारक है। तो केतु जिनका स्ट्रांग होता है, ऐसे लोग दल बंधु नहीं होते, ऐसे लोगों पर आप विश्वास कर सकते हो कि वो अगर आपके साथ हैं तो आपके साथ ही रहेंगे, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। जबकि राहु वाले पे आप विश्वास नहीं कर सकते बिल्कुल। लेकिन केतु जो है वो छुप के काम करते, उसके अंदर एक ये जरा कमी होती है कि वो छुप के काम करता है, प्रेम करेगा तो छुप के प्रेम करेगा। तो ये चीजें केतु के अंदर हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान का कारक है केतु, ब्रह्म ज्ञान का कारक है, महान तप का कारक है केतु।
केतु है। आंखों में दर्द जो होता है, आई आईज में जो प्रॉब्लम होती है, उसका कारक भी केतु ही है। कोक का कारक भी केतु है। भाग्य का कारक केतु को माना गया है कि भाग्य भी, केतु अच्छा हो तो भाग्य अच्छा होता है, केतु अच्छा ना हो तो भाग्य भी अच्छा नहीं होता। दुश्मनों से मिलने वाला दर्द जो होता है, वो भी केतु की तरफ से माना जाता है कि अगर केतु बुरा है तो दुश्मनों से आपको तकलीफ ज्यादा पहुंचती है, केतु अच्छा है तो दुश्मनों से आपको तकलीफ कम पहुंचती है। थोड़ा खाने वाला चिकित्सक भी केतु को बोलते हैं, क्योंकि सर्जरी में मंगल और केतु, क्योंकि मंगल और केतु जो दोनों हैं ये मरणात्मक प्रभाव देते हैं। सूर्य राहु शनि ये सब देते हैं सेपरेटिव इफेक्ट, जहां पड़ते हैं वहां से उस भाव के रिजल्ट से लोगों को दूर कर देते हैं, लेकिन केतु और मंगल ये हमेशा मरणात्मक प्रभाव देते हैं। काट वेट की बात जहां होती है वो केतु और मंगल उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए सर्जरी वर्जरी जितने भी डॉक्टर्स वगैरह हैं वो केतु मंगल का भी उसमें देखा जाता है कि किसी आदमी की सर्जरी होगी या कोई एक्सीडेंट होने की चांसेस हैं, कुछ होता है तो केतु मंगल की स्थिति भी कुंडली में देखी जाती है। मोक्ष का कारक भी केतु है। जैसे हमने बताया कि आठवें भाव में केतु बैठा हो तो आदमी ज्ञान में रम जाता है, और जब ज्ञान में रमता है तो वो सब चीजों से मोह छोड़ देता है। और मोक्ष जो है वो बेसिकली वही है कि जब आपने हर चीज से मोह छोड़ के भगवान के अंदर ही अपना मन बसा लिया, तो वो भी कारक है। गंगा स्नान कारक भी केतु है, क्योंकि मोक्ष कारक है तो गंगा स्नान भी कहते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में गंगा स्नान को कहते थे। गंगा स्नान आपने कर लिया तो समझिए आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया, सारे पापों को धो दिया आपने। तो केतु गंगा स्नान का भी कारक है। दादा का कारक भी केतु, वो नाना का कारक है राहु, तो ये दादा का कारक है केतु। बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनका कारक है केतु। अल्सर का कारक है, जो भी अल्सर की बीमारियां हो जाती हैं, पेट में अल्सर हो जाते हैं कई लोगों के, या बाह पे या हाथ पे या पैर पे कहीं भी अल्सर हो जाता है तो वो केतु के द्वारा ही देखा जाता है। तो केतु का ध्यान देना चाहिए, केतु की शांति करनी चाहिए। अगर किसी किसी जातक को इन्फेक्शन की बीमारी हो, फोड़े फुंसी की बीमारी हो या अल्सर की बीमारी हो, तो ऐसे जातक को केतु की शांति के लिए ही कुछ करना चाहिए। इनके मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं इनके, आप वो कर सकते हैं। वैदिक मंत्र होते हैं, आप वो कर सकते हैं। कुछ दान होते हैं इनके, वो दान भी कर सकते हैं। तो सब तरह की चीजें अवेलेबल हैं। तो जब केतु की शांति आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। भूख का कारक भी केतु है। शिव के दास, देखिए ये एक बहुत बड़ी चीज है, यानी आज शिव के दास का लिखने का भी एक रीजन है। कहते हैं कि जब राहु और केतु, जब समुद्र मंथन के बाद जो वो राक्षस था जिसने अमृत पीने की कोशिश की थी, जब उसके दो हिस्से हो गए थे, तो वो डर की वजह से, सुदर्शन चक्र की वजह से वो सीधा भगवान शिव के पास पहुंचे थे। तो भगवान शिव से उन्होंने कहा था कि हम लोगों को बचाइए। भगवान शिव ने उन्हें ग्रह का दर्जा प्राप्त किया। तो कहते हैं कि केतु और राहु, यानी शिव के दास बोलते हैं इनको, कि केतु अगर खराब हो कुंडली में आपकी, तो भगवान शिव की पूजा अगर आप करें तो केतु शांत हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव का दास कहा गया है केतु। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो केतु जब बली हो तो बहुत रहस्यमय होता है, इंसान मोक्ष को प्राप्त करने की कोशिश करता है, दार्शनिक सोच वाला होता है, मंत्रों का ज्ञान भी उसको बहुत होता है, तीर्थ यात्राएं करता है, बहुत सारी भाषाओं को वो जानता है, एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। और केतु अगर कमजोर हो तो शल्य चिकित्सा होती है, आपकी सर्जरी हो सकती है, चोट लग सकती है, दर्द हो सकता है, शत्रु हैं आपके जो शत्रु आपको समस्या दे सकते हैं, या ऐसे रोग आपको हो सकते हैं जिनका निदान ना मिले, जिनका कोई इलाज ना हो, लाइलाज रोग भी आपको हो सकते हैं अगर केतु कुंडली में बहुत पीड़ित है। तो केतु को जरूर देख लेना चाहिए, अगर पीड़ित है तो उसकी शांति के लिए उपाय करना भी बहुत आवश्यक है। तो ये थे केतु के कारक जो मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा मैं एक सूचना आपको देना चाहता हूँ कि हम लोग एडवांस एस्ट्रोलॉजी का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें वेरी बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हो वो दिए गए नंबर पर संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक इफेक्टिव मैच मेकिंग का शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्स भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, कि कैसे कुंडली मिलाई जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका भी कोर्स कर रहे हैं, छोटा सा कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्स है। तो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसके अंदर भी वो अपना दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।